और अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। यहां आज एमसीडी की स्थायी समिति के एक सदस्य के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। इस जीत के साथ ही बीजेपी का दिल्ली नगर निगम की सबसे पावरफुल समिति पर कब्जा हो गया। मतदान में बीजेपी के उम्मीदवार सुंदर सिंह तंवर की जीत हुई। तंवर को 115 वोट मिले तो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार निर्मल कुमारी को कोई वोट नहीं मिला। वजह थी आम आदमी पार्टी की तरफ से मतदान का बहिष्कार। वहीं कांग्रेस ने भी वोटिंग से दूरी बना ली थी। कुल 18 सदस्यों वाली इस समिति में इस जीत के साथ बीजेपी को बहुमत हासिल हो गया है। बीजेपी के पास अब 10 सदस्य हैं तो स्थायी समिति में आपके 8 सदस्य हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के ने इस चुनाव को गैर कानूनी बताया। एमसीडी स्थायी समिति नगर निगम के भीतर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। यह महत्वपूर्ण नीतियों योजनाओं पर फैसला लेती है। वित्तीय मामलों पर भी निर्णय लेने की वजह से इसे बेहद शक्तिशाली माना जाता है। ऐसे में बीजेपी से अपनी बड़ी जीत करार दे रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।